अरे बाप रे बाप, यहाँ से देखिए नीचे, एकदम नीचे जाना। अभी मिलेंगे हम लोग। बढ़िया, क्या बताई, 20 मिनट जाना 20 मिनट आना। बात जी, दिस इज विकास और स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर इंडिया, नेपाल से। और पिछला 3 दिन जो बीता है वो बड़ा ही जबरदस्त, रोमांचक और एडवेंचरस बीता है। बाइक हमारी नीचे लगी हुई है और हम लोग अभी रूम में ठहरे हुए थे, जिसमें उसको चेकआउट करेंगे और जल्दी निकलेंगे। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अरशद भाई को जो है वो काठमांडू जाना है, सबसे पहले उन्हीं को निकलना था, लेकिन आप देख सकते हैं कम्बल उम्बल ओढ़ के एकदम लेटे हुए हैं। जब भी उठाओ तो 10 मिनट मांगते हैं, 10 मिनट में हो जाएंगे तैयार, लेकिन तैयार नहीं हुए। कुछ देखिए, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज का आपका क्या प्लान है, थोड़ा अपडेट दीजिए। बस ठमेल जाना है, थोड़ा शॉपिंग करना है, भाई को शॉपिंग करना है, थोड़ा स्कीइंग वगैरह करना है इनको, तो उसका थोड़ा सामान लेना है। और हाँ, भाई के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, तो बड़ा ही एडवेंचरस इंसान है ये, मजा आएगा इनके वीडियो को देखने में। तो और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे दरभंगा के हैं, मेरे घर के बगल के हैं। तो अभी हम लोग रूम चेकआउट कर रहे हैं, अभी थोड़ा चाय पीना है, नीचे निकलना है, उसके बाद चाय और ब्रेड ले रहे हैं। और ये भैया की तरफ से कॉम्प्लीमेंट है, आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट भैया का। बाकी यहाँ से सामने का व्यू देखिए, क्या जबरदस्त आ रहा है सामने का व्यू। तो लेते हैं चाय और ब्रेड, जैसे विदा लेते हैं। राम राम जी भैया, नाम हम आपका भूल गए, ज्योति, ज्योति कायस्थ। अभी 8:45 बज गया, इंडिया के हिसाब से 8:30 बज रहा है, 15 मिनट का डिले है। चलिए ठीक है भैया, मिलते हैं फिर, बाय। चलिए फिर अरशद भाई को बाय बाय करता है। अभी मिलेंगे हम लोग, अड़ोसी पड़ोसी है, ट्रैक वगैरह प्लान, हाँ ट्रैक करेंगे, थोड़ा फिट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अभी मधुसूदन भाई थोड़ा छोड़ने जा रहे हैं, बस स्टैंड बगल में ही है, 2 मिनट का फासला है, थोड़ा फिट होना है भाई, उसके बाद ट्रैक करेंगे, जरूर करेंगे, कैंप वैम्प लेके चलेंगे। तो देख सकते हैं इसी सामने होटल गौरी गणेश में रुके थे और हम निकलते हैं यहाँ से। अभी आपको ये वाला रूट का दर्शन कराएंगे, उस दिन रात में आए थे तो फिर अंधेरे में पता नहीं चलता है भाई। तो यहाँ से जनकपुर का जो है ना टाइम बता रहा है 4 घंटा 53 मिनट। और ये देखिए वैली, और इस जगह का नाम था चैरीकोट। ठंड भाई आज तो ऐसे कंपेयर करे कल वाले दिन से तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, कल तो पैर हाथ सब सुन्न हो रहा था। अभी एक जगह है मंथली, यहाँ से वहाँ पे एक सीतामढ़ी के भाई साहब मिले थे परसों रात में, उन्होंने मैसेज किया था कि मिलके जाइएगा, उनका अपना सैलून है वहाँ पे। देखते हैं अगर टाइम से पहुँचे तो वहाँ पे 2-3-5 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा। माना जमाना है दीवाना, माना जमाना है दीवाना। ये वाला जो रूट देख रहे हैं, इस रूट से हम लोग आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम नया रूट है, क्योंकि उस दिन रात में आए थे हम लोग तो ऐसे रोड लाइट से चमक रहा था। और ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है, दोनों तरफ ओक ट्रीज और बीच से रास्ता, पहाड़ों का तो यही खूबसूरती होता है बॉस। और इस रास्ते में भाई होम स्टेज है, होटल्स हैं। चैरीकोट से आगे कालीन चौक का जो ऊपर वाला रास्ता है 12 किलोमीटर तक मस्त था, लेकिन वो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर का जो ऑफ रोड है ना भाई, वो दिल दहला देने वाला है। लेकिन फिर भी बाइकर्स जाते हैं, ये बहुत बहुत सही जगह है बहुत। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आके हम स्नोफॉल एंजॉय करें सस्ते में, बहुत चीप, बहुत सस्ता, क्योंकि हम लोग ऐसे हम लोगों ने किया था कैलकुलेशन, बाइक से आए थे, पेट्रोल वेट्रोल लगा के 5 से 6 हजार रुपया पड़ा इंडियन, 5 हजार के अराउंड इंडियन पड़ा। आज 4था दिन है हमारा। अब बाइक से नहीं आओगे तो फिर तो और 2,500-3,000 में आपका हो जाएगा। और यहाँ से जो है हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं, ये देखिए वैली, कितना खूबसूरत वैली है। और ये सारा हिमालय का रेंज है, पहाड़ों में लाइफ भी थोड़ा सा है, मुश्किल है भाई, बट ये लोग लाइफ एंजॉय करते हैं, काम भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और एंजॉय भी बहुत करते हैं। इसीलिए एक कहावत है, सूर्य अस्त और नेपाल मस्त। बहुत सारे नेपाली लोग मिले इस ट्रिप पे, ज्यादा तो नहीं बट फिर भी 10-15 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और जो लोग नेपाल से देख रहे हैं, लोगों को मैं बता दूं कि भाई मजा आ गया, यहाँ बाइक चलाने में भी मजा आता है, फटता भी है कभी कभी बट मजा भी बहुत आता है। ये वाला आप देखिए खूबसूरती, वैसे ही बहुत सारा विलेज है, जैसे कालीन चौक है ना वैसे ही बहुत सारा विलेज है नेपाल में भी, सुंदर सुंदर। यहाँ पे किस चीज का खेती हो रहा है, गेहूँ, गेहूँ का खेती हो रहा है। इस वाले ट्रिप का सारा श्रेय जाता है मधुसूदन भाई को, इसलिए क्योंकि मधुसूदन भाई नहीं बताया था जगह के बारे में, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये जगह भी है इतने पास में। इस जगह का नाम है किरांति छाव। रोड्स बड़े अच्छे हैं यार, ये वीडियो तो देख ही रहे हो, लेकिन पिछला जो है 3 वीडियो जरूर देखना भाई, फिर आपको मजा आ जाएगा। मधुसूदन भाई बहुत आगे निकल गए लगता है, क्या बात है। और हम लोग जिस रात आ रहे थे उस रात आवाजें आ रही थी डरावनी डरावनी, हू करके, अब वो भी देख सकते हैं पिछले पहले वाले फर्स्ट वीडियो में, इस राइड के फर्स्ट वीडियो में। मस्त प्ले लिस्ट पे जाइए और लगातार देखिए भाई। आप लोग कमेंट में बताइएगा बॉस कि आप लोगों को माउंटेन में बाइक चलाने में कैसा लगता है, इफ़ यू आर बाइकर्स, एंड नहीं तो घूमने में कैसा लगता है। पहाड़ का अलग वाइब है यार, पता नहीं ऐसे क्यों इतना ज़्यादा पसंद है हमको। हो सकता है कि हम लोग थोड़ा प्लेन में रहते हैं तो हम लोग को सब पसंद आता है, लेकिन पहाड़ ज़्यादा पसंद आता है हमको। क्या ज़बरदस्त व्यू है बॉस। ये देखिए क्या विशाल विशाल पहाड़ है। अभी हम लोग धीरे धीरे एकदम नीचे जाएंगे और नदी के साथ साथ चलेंगे। तामा कोसी करके रिवर है, जो 7 रिवर है ना नेपाल में, उसमें से एक रिवर है ये। हाँ, ये देखिए क्या ब्लू ब्लू ये नदी है, पानी देखिए कितना साफ है। वाह, तामा कोसी रिवर है और हम लोग पुल क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं पहाड़ से, नदी के साथ चलना है अब तो सुंदर लग रहा है ना। लुक एट दिस गाइस। आहा, सरसों देखिए, पहाड़ों पे सरसों कितना सुंदर लग रहा है। पहाड़ों पे सरसों की भी खेती हो रही है। आई होप कि चेतक भाई अभी आपका गुस्सा कम हुआ होगा। अभी अच्छे से दोनों भाई को पहुंचना है घर, ठीक है। 28 किलोमीटर है यहाँ से मंथली, दाहिने साइड में है अभी तामाकोसी नदी। और ये एक गांव है, नाम पढ़ने को नहीं मिला तो गांव का नाम नहीं पता, बट ये देखिए ये पुल क्रॉस कर रहे हैं। वाह, क्या जबरदस्त लग रहा है जी। तो आप देख सकते हैं हम लोग अभी एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज है, नदी है तामाकोसी रिवर, उसको थोड़ा कवर करते हैं, शूट करके दिखाते हैं आपको। हाँ, ये देखिए क्या मस्त लग रहा है ना। हाँ जी भाई साहब, तो अभी के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, देख सकते हैं आप। मजा आ गया भाई ये व्यू देख के। अभी आपको ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं। नदी बहुत ही साफ है एकदम। निकलते हैं यहाँ से आगे, चलिए अब फिर से गोप्रो वाले कैमरे पे मिलते हैं। मधुबनी 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 रोड। हाँ। इसमें बोलिए सब्सक्राइब। सब मालूम है, बात सब समझता है। नेपाली हम बिहार में 9 वर्ष बैठे काम करेगा काम। अच्छा, ठीक है अंकल जी। पटना, सोनपुर, लखनऊ, मुजफ्फरपुर। अच्छा, मुजफ्फरपुर। अंकल जी मिले यहाँ पे भाई। यहाँ पे हमने बहुत टाइम स्पेंड किया भाई, लगभग 1 घंटा हो गया होगा। मजा आ गया। सरसों का खेत देखिए ना भाई, लहलहा रहा है गेहूं और सरसों। लेकिन यहाँ पे लोग ज्यादा चावल खाना पसंद करते हैं, ज्यादा क्या, उधर तो रोटी मिलना ही मुश्किल था। ये मिलती बाजार है जिसको अभी हमने क्रॉस किया है। अच्छा, पुल क्रॉस करके ये मिलती बाजार है। फिर से एक ब्रिज क्रॉस करते हुए आ गया, मिताली करीब है। बिल्ली को देखिए, क्या क्या बिल्ली मेरे आगे आ रही थी कि भाई मुझे स्वर्ग की प्राप्ति दीजिए आप। ये धूली खेल अस्पताल, इस जगह का नाम है धूली खेल अस्पताल। बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है भाई साहब आज। बाप रे, रोड कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना देखने में। इधर ही आते वक्त रात में अजीब अजीब आवाज़ आ रहा था। और सामने फिर से एक पुल नज़र आ रहा है और हम लोग फिर से उस पुल को क्रॉस करेंगे। खिमती पुल, लंबाई 55.5 मीटर। ये कौन सी जगह है? एक और बात बता दें कि नेपाल में सबसे ज़्यादा हिंदू का पॉपुलेशन है पूरे दुनिया में, और इट इज़ अराउंड 81 to 82%, और इंडिया में अराउंड 80% है। और यहाँ पे पल्सर 220 भर के है, जिसके पास देखो पल्सर 220। और ये हम लोग एकदम नीचे आ गए पहाड़ की गोद में। तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज़ कैसा लगा। और थोड़ा प्यार दिखाइए, शेयर तो करना मत ही भूलिएगा, उसी से रीच मिलेगा थोड़ा और लोग देखेंगे। देखो ना कैसे काट के पहाड़ को बनाया है रोड। अब रोड देखिए एकदम मस्त ज़बरदस्त। मंथली आ गया। हाँ जी, तो मंथली बाज़ार में आप सभी का स्वागत है। अच्छा खासा मार्केट है ये भी। तो अभी हम लोग हैं मंथली में और अभी वो ठाकुर जी हैं, उनका सैलून है, उनसे मिलवाते हैं आप। और भाई ये देखिए ठाकुर भाई साहब का सैलून। आ गए फिर से ये भाई, ये देखिए इनका सैलून एकदम चमचमाता हुआ। इस बार जाने का प्लान था लेकिन उस टाइम में बर्फ नहीं गिरा था। ये देखिए ये है एकदम चौक पे। चलिए निकलते हैं अपन, आगे खाना खाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा पराठा वराठा मिलेगा कुछ? रोटी तो यहाँ नहीं मिलता। रोटी ना, चावल आप लोग ज्यादा वो करते हैं। ठीक है भाई, ओके। देखिए कल 4000 मीटर पे हम लोग खा रहे थे ये, आज यहाँ पे कितना होगा? 1000 होगा। मस्त चीज है भाई। हाँ जी भाई साहब, देख सकते हैं अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया चाव चाव और चाय। ये विकास भाई ये बस चाय पी रहे हैं, मधुसूदन भाई चाव चाव खा रहे हैं। तो खाते हैं, टेस्ट अच्छा है भाई। गरम है थोड़ा, फूक फूक के खाना बन रहा है। अभी आपको एक मस्त चम्मच दिखाते हैं। ऐसा चम्मच इंडिया में मिलना मुश्किल है। ये देखिए पीछे लाइटर और आगे चम्मच। मस्त है, मस्त इनोवेशन है। मिलते हैं फिर, आते हैं इधर तो मिलते हैं, नहीं तो फिर आइए तो फिर बताइए। नंबर तो है ही मेरा। ये है दीदी का अमृत दुग्ध डेयरी। ये जगह से निकलते हैं। मस्त बनाया था दीदी ने चाव चाव। 12:20 हो गया। चलिए भाई, मधुसूदन भाई लगभग 10 मिनट पहले निकले थे, 10-12 मिनट पहले। वो बहुत आगे निकल गए होंगे। वो सामने देखिए बस आ रही है, क्या मस्त लग रहा है। पहाड़ में स्पीड चलाने का भी मन करता है लेकिन थोड़ा डर भी लगता रहता है क्योंकि इतना लाइफ में पहली बार हम थोड़ा तेज चला रहे हैं। अभी तो कम हो गया, 60-70 चला रहे थे। क्या हुआ दाई? भंसार कहाँ पहुँच गए? जनकपुर। हाँ, कालीन चौक से आए हैं। और ठीक हो आप? ओके जी, चलते हैं। मंथली नगर पालिका भ्रमण करनु भय कोमा हार्दिक स्वागत। सुन कोसी पुल। देखिए अभी हम लोग रुके हैं, एक सस्पेंशन ब्रिज था, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। उसके ऊपर से विकास जाएगा कूदते दौड़ते हुए। दौड़ के चेक करो। और ये नदी, ये कौन है? सोन कोसी। देख सकते हैं हम लोग हैं सस्पेंशन ब्रिज पे। और यहाँ से नीचे तो भाई देखने पे ऐसे लगता है भाई कहाँ अंदर नीचे पूरा दिखता है। और नदी में उतना पानी नहीं है बट है, पानी है। अभी हम लोगों ने थोड़ा फोटो वीडियो बनाया यहाँ पे। मजा आ गई भाई साहब, सच में मजा आ गई। ये देखिए क्या मस्त अलग है पूरा ये घर, मिट्टी का बना हुआ है। भाई साहब इसी रास्ते के, इसी पहाड़ के बारे में बता रहे थे तभी कि ये थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है, घुमा घुमा के ले जाएगा आपको। इस रोड पे हम चला चुके हैं ऑलरेडी तो थोड़ा आइडिया है, और पहाड़ों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो थोड़ा उस हिसाब से चला ले रहे हैं। और अभी दिन में थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना रास्ता, तो थोड़ा ठीक से चला पा रहे हैं। बहुत घुमाव है भाई, ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर लगा के इस पहाड़ पे बनाया गया रास्ता काट काट के। और यही मैंने उसके बाद ये पहाड़ क्रॉस कर जाएंगे फिर नहीं है चढ़ाई वाला रास्ता, उसके बाद फिर प्लेन होगा। अभी सिंधुली नदी आने वाला है आगे। ऐसे 1:27 हो रहा है, ऐसे ही चलाते रहे तो 3-3:30 तक जनकपुर पहुँच जाएंगे। चलो भैया जी आ गए। क्या चलना है? सिंधुली गढ़ी प्रवेश द्वार। अभी हम लोग भाई जा रहे हैं सिंधुली गढ़ी, देखते हैं कैसी जगह है। दरबार चपौली जाने बाटो सिंधुली गढ़ी रानी प्लेस। अच्छा हम लोग यहाँ पे हैं अभी ना, वो जो पॉइंटर है रेड वाला, गढ़ी मतलब हो गया आई थिंक वही दरबार महल स्वागतम। टिकट लेना पड़ेगा क्या? ये सिंधुली गढ़ी इधर ही है। अच्छा वहाँ पे क्या है एक्चुअली? युद्ध किससे हुआ था? अच्छा अंग्रेज से हुआ था, कब्जा नहीं करने दिया था नेपाल। नेपाल तो कभी गुलाम नहीं बना है। उधर ही चले क्या? इधर बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए उधर ही चलिए, हम लोग कभी और आएंगे। जगह तो सही लग रहा है बट टाइम नहीं है ना भाई। 250 का टिकट है, 250, 500 लगेगा, मतलब 750 लगेगा तीनों का। ये सही है, रानी दरबार है, इधर ही चलते हैं। ये सामने यही तो है, यही सामने तो है रानी दरबार आउटलेट। यही है क्या भाई? हमको कन्फ्यूज हो रहे हैं, यही है क्या रानी दरबार? ऊपर क्या हो ऊपर? कभी यहाँ के लिए एक दिन रखना पड़ेगा लेकिन 6 किलोमीटर ऊपर है, यानी कि 6 किलोमीटर यानी कि 15-20 मिनट। 20 मिनट जाना, 20 मिनट आना, 20 मिनट शूट करना, 1 घंटा। यहाँ और भी कुछ कुछ है क्या अंदर? यहाँ ये बड़ा मस्त जगह है यार, कभी प्लान करेंगे भाई फैमिली के साथ आने का। ऊपर भी है कलाघर, ये नेपाल के जो राजा हुआ करते थे उनका है महल, रानी का महल है, राजा का भी बोला इसी में यहीं रहते थे। थोड़ा रास्ता कच्चा है बट उतना भी खराब नहीं है, अच्छा जगह है, हिल स्टेशन टाइप का है छोटा सा। गर्मी में प्लान कर सकते हैं इस जगह का। चलिए जी वापस से रास्ते पे आते हुए ये देखिए क्या मस्त वैली है। उधर से ही जाएंगे, धीरे धीरे नीचे उतरेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे एक व्यू पॉइंट आएगा। बस यही पहाड़ उतरना है दोस्तों, इसके बाद फिर पहाड़ के दर्शन नहीं होने वाले। ये देखिए ट्रैफिक लग गया। क्या मस्त लग रहा है यार। फोटो खींच दोगे थोड़ा? एक वहाँ बाइक लगाते हैं। क्या भाई साहब व्यू, हम लोग को वहाँ पे जाना है एकदम नीचे। देख रहे हैं नीचे, मजा आ रहा है भाई चलाने में। बिहार एकदम नीचे जाना, नीचे जहाँ तक आपको सड़क दिख रहा है वहाँ जाना हम लोगों को। देखिए बहुत ऊपर है, यहाँ ऊपर से आया भाई, घूम घूम के ऊपर से आया। नीचे उतरना है बस। अब ज़्यादा दूर नहीं है भाई अपना इंडिया, यहाँ से 1-1.5 घंटा लगेगा बस। मज़ा बहुत आ रहा है बाइक चलाने में बस। देखिए ऑटो भी चल रहा है पहाड़ पे। नीचे आ गए हम लोग और यहाँ पे ऑरेंज का मार्केट है, देख सकते हैं मेरे पीछे बस ऑरेंज ही ऑरेंज है। और यहाँ पे पता है दीदी ये कैसे दिया? 250। ये देख सकते हैं कीवी यहाँ 250 नेपाली में, मतलब इंडियन कितना हो गया 150 का किलो है भाई ये कीवी। अब अपने इधर किधर कैसे कितने का है पता है? एक पीस आपको पता ही होगा 40 का एक, 30-40 का एक, बहुत सस्ता है। संतरा कैसे है दीदी? 140 नेपाली, यानी 70-80 रुपये किलो है। मीठा है, मीठा है, टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट एक टेस्ट करवाइए पहले। मस्त है भाई साहब, बहुत रेयरली इतना मीठा खाने को मिलता है अपने इधर। 2-3 पका भी दे दीजिए, 2-4 संतरा, लेकिन मीठा मीठा वाला दीजिएगा। 1 kg संतरा भी दे दीजिए। ये जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है सिंधुली चिया बारी। हम लोग नीचे आ चुके हैं, वो पहाड़ वाला खत्म हो गया है। ये देखिए क्यूटी भाई को, हेलो क्या हाल चाल, सब ठीक, सब बढ़िया, सब बढ़िया। क्या नाम है आपका? मोनू, सोनू। संतरा भाई लोग लो भाई, कैमरा के सामने बहुत शर्माता है ऐसे भाई, ऐसे बहुत होता है ना इधर संतरा, पहाड़ में होता है। चलिए भाई साहब मेमोरी कार्ड भी फुल हो गया था तो अभी उसको चेंज कर दिए। संतरा बहुत मीठा था, कीवी कितना सस्ता है भाई 230 नेपाली में, और वही कीवी इंडिया में 40 रुपये पीस, 30 रुपये पीस मिलेगा। पता नहीं क्यों इतना महंगा दे रहा है यार, इतना पास में मिलता है। तो भैया जी यहाँ से बर्दीबास जो है वो अराउंड 25 किलोमीटर है। आ गए बॉस बर्दीवास, और यहीं से लेफ्ट लेना है हम लोगों को बस जनकपुर। 10 से 15 मिनट में जनकपुर पहुंच जाएंगे। और मधुसूदन भाई कहीं नहीं दिखे, आई थिंक वो जनकपुर पहुंच गए होंगे। लो जी आ गए ढलकेश्वर में हम लोग। ये भी अच्छा खासा मार्केट है भाई साहब। हम नहीं चाहते रहते भाई कोई जानवर को ठोके, विकास वो डरा गया। ये हाईवे है, हाईवे पे बकरी क्रॉस हो रहा है। अरे बाप रे बाप, ओ माय गॉड, उठा 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 उतरो भाई। क्या भाई ऐसे चलाना चाहिए, जान ले लोगे तुम तो। चप्पल भी टूट गया भाई का, सीधा ऐसे कूद के आया, सीधा ऐसे उछाल दिया बाइक को। भाई मेरा थोड़ा बड़ा गाड़ी है, अच्छा ब्रेक है इसलिए बच गए तुम, नहीं तो सीधा रगड़ देता तुमको। अच्छा चलो कुछ नहीं हुआ भाई, उधर तुम उस पर गिरे भाई, उठा लो। हाँ चलते हैं। बाप रे बाप, अभी भाई 100 के स्पीड में बाइक चल रही है, लेकिन अब नहीं चलेगी क्योंकि अब रोकना पड़ेगा, रास्ता खराब है। अरे भाई साहब रास्ता बहुत खराब हो गया है। और यहाँ पे शहीद द्वार जनकपुर का एक फोटो खींच देगा विकास तो थोड़ा सही रहेगा। ये है शहीद द्वार। आ गए जनकपुर धाम, और अभी अपने को बॉर्डर पे पहुंचना है सबसे पहले। ट्रेन की पटरी भी है इधर, अच्छा ट्रेन आती है ना अपने इधर से। ट्रैफिक सिग्नल है भाई, 40 सेकंड रुकना पड़ेगा, और यहाँ से राइट लेके सीधा बॉर्डर पे। तहन जनकपुर वासी आ सबके हम बाय बाय कहै छी, निकले छी तसा। जनकपुर में नहीं रुक पाए, ठंडा जो है भाई लगने लगा कपकपाहट वाला। तो भाई साहब जठी बॉर्डर आ चुका है, नेपाल इंडिया का बॉर्डर है। यहाँ देखते हैं कोई रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं। हाँ दाई कालीन चौक, कालीन चौक गए थे और उसके बाद बस आ गए कालीन चौक। कितने दिन का टूर था? 4 दिन, लास्ट डे आज। सबसे पहले तो आप भंसार देख लीजिए, आरसी, शहीद दुर्गानंद झा, आइयो झाजिए छतिन हमू झाजी, बाय बाय दाई। चलिए जी अब आ गए बॉर्डर पे, देख सकते हैं जठी बॉर्डर पे हम। अभी हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे। थोड़ा सिम लगाया अपना इंडिया वाला, अभी यहाँ पे तो नेटवर्क आता है। हमको जाना है गांव, विकास को छोड़ देंगे इसके घर पे, और उसके बाद जाएंगे गांव, और फिर कल फिर वापस दरभंगा जाएंगे। कुछ ही क्षणों में नेपाल की धरती से इंडिया की धरती पे, और ऐसे लग रहा है पुलिस चेकिंग होगा कुछ। ये वेलकम टू इंडिया सर था ना, तो वो थोड़ा बोर्ड का ले रहे थे। नेपाल से इंडिया आ गए ना, कपड़ा उपड़ा है सर, जाते टाइम चेक करवाए थे सर। अच्छा दिखा दो एक बार, पहले से सब चेक नहीं होता था। बैठ जाओ बैठ जाओ। कालीन चौक, यहीं जाना है बगल में। हाँ घर यहीं है, 30 किलोमीटर, 25 411 सीसी है तो कम तो देगा ही, ज़्यादा माइलेज देने वाला, बट फिर उसमें कंफर्ट नहीं होता है ना। 1200 साढ़े 1200 सीसी का भी बाइक आता है, उसका तो और कम होता है, 10-15 का माइलेज देता है, बट हाँ मज़ा आता है। ठीक है सर, यह है बस स्टैंड यहाँ का बॉर्डर का। चलिए जी, अभी कोई रोकेगा नहीं, खुद रुकना होगा तो रुकना होगा, नहीं तो चेकिंग वैकिंग का कोई इशू नहीं है। विकास को समोसा खाने का मन कर रहा है, हमको भी खाने का मन करने लगा। यहाँ से राइट टर्न लेना होगा, अम्बेडकर चौक उमगांव। ये रोड सीधे बेनीपट्टी जाएगा। पहुँच गए बेनीपट्टी। पिछले 4 दिनों में यार भीड़ देखने की आदत ही खत्म हो गई थी। अब यहाँ पे लोग देखते है ना इतना ज्यादा, लगता है भाई साहब इतना आबादी क्यों हो गया। हैंडल में यार सच में प्रॉब्लम है, ऐसे फंस फंस रहा है थोड़ा थोड़ा, को दिखवाना जरूरी है। भूख भी लग गया है, हवा में इतनी ठंडक है ना यहाँ पे, ऐसे लग रहा है कालीन चौक में घुस रहे हैं फिर से। क्या नाश्ता पानी कर रहे हैं, भूख बहुत तेज लगा हुआ था। इस जगह का नाम है धक जोड़ी। एकदम गरम गरम छोला समोसा और लौंग लत्ती, यादव जी मिष्ठान भंडार में। यादव जी का दुकान देख लीजिए। तो नाश्ता पानी हो गया, लौंग लत्ती जबरदस्त है भाई यहाँ का, मजा आ गया खा के। और अगर आप इस पेरीफेरी से देख रहे हैं मधुबनी से, तो आप यहाँ का लौंग लत्ती ट्राई कर सकते हैं। यादव मिष्ठान भंडार नाम छे ना, तो कल लौंग लत्ती हमरा बहुत नीक लागल। चलते हैं आगे, घर पहुँचते हैं। तो अभी विकास को उसके घर छोड़ दिए, यहाँ से हम अपने घर निकलेंगे, 15-20 मिनट और लगेगा। और ठंडा तो यहाँ पे धुंध देख सकते हैं, कितना धुंध है।